नाजुक जगह होता है मालूम, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर को ऐसे रोक रहे हैं और मैं पूरा सीन दिखाता हूँ घर जाके, डोंट स्किप। तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये ऐसे हाथ दिखा रहा है, पता नहीं भाई, देखने बहुत सुंदर लग रहा है, फूल बने अंगारे वैसा सीन हो गया ये तो। तो फाइनली अपन फोटोशूट करा लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गाइस मेरे पल्सर 220 घूमा नहीं यहाँ पे इसमें, और पापा का बाइक लेके आया हूँ मैं आज फिलहाल, तो ये इजिली घूम गया मस्त, कम से कम 50 सेकंड तक घुमा लूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये रैम बन गया ना एक बार। लेकिन मेरा वो गाड़ी नहीं घूमा क्योंकि उसमें टायर लगा है जिग जैक टायर, जो कि एकदम गिट्टों में चलने वाला रहता है ना, जो दलदल वलदल में, और इसका टायर है एकदम स्मूथ वाला, इसलिए इसमें ग्रिप बना लिया, ये मतलब स्मूथ घुमा लिया। तो गाइस बहुत लोग सोचते होंगे कि हम लोग कैमरा या बड़े ऊंचे कैमरे से खिंचाते होंगे अल्ट्रा वल्ट्रा से, तो ये वीवो का V20 है और एक V21 है और एक है सैमसंग A52, उससे हम लोग शूट कराते हैं फिलहाल। अभी वीवो का पकड़े हैं तो इसी में अभी शूट करा रहे हैं, क्योंकि दो ठोक फ़ोन घर में एक पड़ा है उसमें स्टोरेज खाली नहीं है, इसलिए तो इसको ला के मैं इसी में शूट करा हूँ। तो गाइस देख सकते हो बहुत बेहतरीन जंगल और रास्ता, तो देखो कितना घुमावदार है, चिखली जाता है बेसिकली ये वाला, और जल्दी भी जोड़ता है, और अभी लो ग्रेविटी में चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल गाड़ी अभी बंद है, तो कुछ मौसम अच्छा हो रहा है, जैसे हम लोग घर से निकले थे वैसी टाइप वाला। तो यहाँ पे नया मंदिर का निर्माण हो रहा है देख सकते हो, दल्ली का पानी दिखाता हूँ मैं आपको, दल्ली का पानी, फाइनली उस जगह में आ गए हैं दोस्तों, देख सकते हो दल्ली राजा का जेएसपी रथ, क्या लिखा है इसमें, देवांगन अंकुश देवांगन लिखा है। तो व्यू यहाँ से देख सकते हो कितना बेहतरीन आता है, सामने जो देख रहे हो पूरा वो है खदान, देख ले यार तेरा भी नाम होगा इसी में इतना सारा। तो दो दिन पानी की रहता है ना, तो ऐसे हरा हरा, जिसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहते हैं ना लोग, तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पे ना सेटिंग हो जाता है ना, और इसको मैं वाइड एंगल से ही शूट करूँगा क्योंकि ऐसे तो आने से रहा ये, वैसे वाइड एंगल भी अच्छा आता है मेरे फ़ोन में। तो ये कौन है पता नहीं, इसको ऐसे रोक रहे हैं और मैं पूरा सीन दिखाता हूँ घर जाके, डोंट स्किप। तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये ऐसे हाथ दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, और ये धनुष बांध है, धनुष बांध पहले था कि नहीं, हाँ था 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 था, और इधर देख सकते हो तीर को पकड़ा हुआ है ये, उधर घोड़ा है, और इधर रास्ता बन रहा है जो कि आज ही काम चल रहा है, तो इधर से जा नहीं सकते नीचे, ऐसा कुछ है नज़ारा, पूरा हरा हरा लग रहा है भाई मस्त। तो कुछ इधर का रथ का लुक है, ये घोड़ा है जो कि ऐसे लुक आ रहा है, चार पैर पे खड़े हैं दो दो करके, और इधर का नज़ारा वो भाई देखने बहुत सुंदर लग रहा है, फूल बने अंगारे वैसा सीन हो गया ये तो। तो फाइनली अपन फोटोशूट करा लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलो टूट टूट जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, हिल रहा है। ओके बेटा हो गया।
तो चलिए यहाँ से निकलते, बहुत ज़्यादा सन एकदम सीधा पड़ रहा है। मतलब दुख होता है ना यार, माइंस में अच्छा खासा मिल रहा था काम, फिर भी मैं गया नहीं, सिर्फ ये वीडियो के चक्कर में कि यूट्यूब में कुछ हो जाएगा तो आगे बढ़ जाऊँगा। घंटा का बुलशिट बकवास सब। तो सर से बात करेगी तो क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, हाँ अब बोलेंगे सर, हाँ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, लेकिन फिर इधर आना रहना फिर दिमाग खराब हो जाएगा ना, एक दो दो नाव पे नहीं रख सकते ना, फिर पैर सर ऐसे के साथ टूट रह जाएगा। सर के साथ रह जाना। हाँ सर, सर के साथ रहूँगा ना, तो ड्राइवर बन जाता हूँ उसका। तो वो बोले नहीं ये गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी ला। हाँ घंटा का तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गया है, मैं क्या बताऊँ, मेरा बाल इतना बड़ा है ना तो और ज़्यादा गर्मी कर रहा है। सोच रहा था कटवा लूँ करके, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कटवाओ मत, बढ़ाओ बाल को, डिफरेंट रूप में देखना है करके, और ये भी बोल रहे कि कटाना मत करके, तो फिर अब फिर पोस्टपोन हो गया, पता नहीं इस गर्मी तक ही रहेगा। वैसे मैं ये सेट वेट कराऊँगा फिर अच्छा लग जाऊँगा थोड़ा, तो कुछ ऐसा है माहौल, अभी पूरा खाली है क्योंकि इतना दोपहर में कोई पागल ही आएगा यहाँ पर, निब्बा निब्बी लोग आएंगे यहाँ पे। और वैसे भी तो मेरे को खाली में सूट करना अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ में पसंद नहीं है, तो मैं पहले यहीं आया दिल्ली, अब चलते हैं दिल्ली के दूसरे स्पॉट में। तो एक बार मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ कि काम कितना चल रहा है, वो दिख रहा है ना पूरा बना है, वहाँ पे ट्रक लोग खड़े हैं और क्रेन के जरिए पूरा लोहा निकाल के पूरा दिल्ली से भिलाई स्टील प्लांट ले जाया जाता है वहाँ, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का औद्योगिक बहुत बड़ा वो है कारखाना, आप जानते ही होंगे। उधर भी ब्लॉगिंग चल रहा है, इधर भी ब्लॉगिंग चल रहा है, कैसे? खैर यहाँ पे ना शाम को पूरा सीट फुल हो जाता है, पूरा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, मस्त है यहाँ पे, हवा हवा चलते रहता है, मस्त लगता है। और आगे गार्डन है, गार्डन भी शाम को ही खुलता है, नहीं तो दिखाता मैं। वैसे गार्डन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी एक बार और इसमें क्लिप में ले लेता, लेकिन क्या करे, बज रहे अभी कितना टाइम हो रहा है, 4:45, 5 बज गए, मेरे पास 1 घंटा बस बचा है, फिर मेरे को फिर से 130-135 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो क्या करे यार, दोस्त यार इधर हैं लेकिन मैं रहता उधर हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई दोस्त यार नहीं है, बाकी सब दूरगम, मैं पढ़ाई दूरगम किया हूँ ना, इसलिए मेरा तो ऐसे बताते जाऊँगा बीच बीच में ब्लॉगिंग में, मेरा क्या है कहाँ क्या है मैं कैसा हूँ ये सब बताते रहूँगा लगाना ढकाना। लेकिन ब्लॉग को यार अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब और शेयर को जरूर करना, लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत एक साल हो गया मेहनत करते करते, अरे भाई दिल्ली में आ गया क्या? हाँ मैं दिल्ली में हूँ भाई, मैसेज कर रहा है भाई, तो उससे भी मिलना पड़ेगा अभी। तू आईपीआई नहीं गया आज? भोपू भाई गए कॉलेज। अच्छा। और उसको हम लोग छोड़ के आ गए दोनों घूमने के लिए। आऊंगा ना भाई अभी, और आऊंगा, कहाँ रुकूंगा। भाई हम बाइकर के लिए ना हेलमेट बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा चलता नहीं है गाड़ी, मेरा खासकर नहीं चलता क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट बढ़ गया है। और मैं तो हर किसी को कहूँगा भाइयों को कि बिना हेलमेट के मतलब चलना ही मत, क्योंकि इससे क्या है ना बहुत सेफ्टी ये बचा लेता है, पता है कितनी अच्छी बात है कि अगर आप एक्सीडेंट भी हो रहे हो तो इधर भले चल रहा है लेकिन शक्ल सही रहना चाहिए। बस हो गया, चलो हो गया। तो ठीक है ना यार, इधर अगर कुछ भी हो रहा है सेफ्टी नहीं है तो यहाँ तो मतलब फेस को तो ये सबसे नाजुक जगह है होता है मालूम, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर का तो चलो डैमेज होगा तो बन भी जाएगा, लेकिन इधर तो गया तो सीधा जान ही गया, तो इसलिए ना मैं इसीलिए क्योंकि चेहरा सही रहना चाहिए, कम से कम चेहरा बच जाएगा इसमें, है नहीं है ना, इधर खरोच आ जाए, मेरा बहुत खरोच आया इधर, वो भी बहन के कारण, इसलिए तब से मैं इसलिए हेलमेट लगाता हूँ डस्ट तक लिए, और दूसरा सेफ्टी ये फेस कुछ ना हो जाए, मम्मी पापा ने इतना मस्त खूबसूरत चेहरा दिया है तो इसको बिगाड़ना तो ना चाहेंगे भाई थोड़े इस पल के लिए, बस हो गया। तो आगे जस्ट सामने गार्डन है दिल्ली का, जो कि बहुत अच्छा बना है, बहुत बड़ा है, पहले ना हम लोग का जब ये बना नहीं था मतलब ये इधर घेरा नहीं हुआ था, पूरा कार को यहाँ चढ़ा के आता था मैं, फिर जैसे तैसे उसको रिवर्स करके ले जाता था वहाँ तक, वो भी क्या दिन थे यार, लेकिन कुछ भी बोलो कैसे, अब तो इधर रहना होता नहीं है बहुत कम, और यहाँ कुछ काम चल रहा है देख सकते हो, और कुछ कुछ बन रहे, और ये कुछ ऐसा है भाई यहाँ का, च्यू च्यू कर रहे चिड़िया,
चिड़िया रानी लवर्स लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, और देख सकते हो कितना मस्त हरा हरा लग रहा है भाई। ओ भाई साहब, अरे मेरा दस्ताना यहीं छोड़ दी थी तू, ये देख ये क्या है दस्ताना, अरे ये क्या करती है यार तू, अरे भूल गई यार, मेरे को नहीं पता था। बाप रे, ऐसा भी कोई भूलता है दोस्तों? देखो कोई ले जाता तो गया, फिर मेरा तो लेना पड़ जाता, केला हो जाता मेरा। भाई घूमने तो आ गई ना, पापा जो बोलना है तू बोल, मैं नहीं जानता। हाँ। पानी कौन भरेगा, तू जान। हाँ। इधर नहीं बोलने का, घंटा का आवाज पानी नहीं मिलेगा। हाँ। है ना, बोर करा ले, बोर करा देना। तो पता था भीड़ चालू होगा अब करके, क्योंकि शाम हो चुकी तो लास्ट यहाँ पे सनसेट के लिए यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, उसके बाद जाएंगे भाई खाने पीने, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया है। गार्डन तो खुल चुका है लेकिन इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अब 30 मिनट बचा है, मेरे को वापसी करना है, क्योंकि जाते जाते ना 11 बज गया था ऑलमोस्ट, मतलब पिछले बार, तो इस बार 10 बजे पहुंचना है। और ये है दिल्ली का रेस्ट हाउस, जिसमें अभी VIP लोग गए हैं, शूट नहीं कर पाया मैं, और ये पूरा VIP लोग के गाड़ी लोग का चल रहा है देख सकते हो। और ये है भिलाई इस्पात संयंत्र सप्तगिरी उद्यान राजरा, है ना, तो ऐसा कुछ है। बाकी अंकल लोग आते हैं वॉक पे, यहाँ पे पहले अंकल लोग ही आते हैं यहाँ पे, अभी निब्बा निब्बी लोग अभी नहीं दिखेंगे। वैसे इधर खाने पीने का नहीं है, खाने पीने का चौपाटी आ गया, उसको भी दिखा दूंगा मैं चौपाटी की ओर, जिसमें से ये सब पूरा BSP क्वार्टर है। मेरे एक शौक है कि ऐसी घर मिल जाए इधर दल्ली में, तो क्या ही बताऊँ भाई। इधर पूरा ना एकदम मस्त पेड़ पौधा है, और BSP क्वार्टर है पूरा, जो कि एकदम मस्त छोटा सा रहता है लेकिन बहुत अच्छा बना रहता है सिस्टमिक ढंग से। और आगे चौपाटियाँ दिखाते हैं, तो ये बता रहा था ना काम चल रहा है, वही वाला है सीधा वहाँ पे रथ, और ये प्लेग्राउंड है छोटा सा, सामने की ओर है चौपाटी। अरे तू खा ले, मैं ठंडा पी लूँगा ना। नहीं तो, मेरे तो मोमोस खाना। और क्या, कॉफ़ी चाय ठंडा और ठंडा। फिर हाल इससे चालू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोमोज तो अभी पक रहा है कैसे। और इधर सब चौपाटी बंद है, पता नहीं भाई, अभी तक तो तैयारी चालू कर देना चाहिए। पीछे ही छोड़ रही है। कालू, दो कालू हैं, एक गौ माता और ये। एक कॉल आ जाता है ना ब्लॉगिंग के टाइम, तो मेरा दिमाग गरम गरम स्टीम मोमोस, तो टेस्ट करते हैं स्टीम मोमोस यहाँ का चौपाटी का। कालू का बेटा आ गया, ज़्यादातर मैं तीखा खाना पसंद करता हूँ, लेकिन इसको भी कभी कभार इसके साथ खा लेता हूँ। अरे वो बॉल चुराक ला ली है मालूम, वहाँ पर रखा है वो देखो।